हे फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक आर स्टूडियोस। मेरा नाम है रणवीर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में अगली वीडियो। इससे पहले मैं एक वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ काफी मंथ पहले, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, 30-35 हज़ार व्यूज मेरे आ चुके हैं उस वीडियो पे, तो हाईली सक्सेसफुल वीडियो मेरे इस चैनल की अब तक की। उसमें काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रिंस एंड स्पिन जो मोड होता है ये वाला, इसमें क्या रिंस एंड स्पिन दोनों इकट्ठे हो सकते हैं या फिर अकेले अकेले भी कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत थी कि वो अगर रिंस करना चाहते हैं तो स्पिन भी साथ में करना पड़ रहा था, अगर सिर्फ स्पिन करना चाहते हैं मतलब कपड़े सुखाने हैं सिर्फ और कुछ नहीं करना, तो उनको रिंस भी करना पड़ रहा था, स्पिन भी करना पड़ रहा था। तो काफ़ी क्वेश्चन थे, तो अभी मैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें आपका क्या डाउट हो रहा था कि अगर आप सिर्फ रिंस करना चाहते हो या फिर स्पिन करना चाहते हो तो पॉसिबल है या नहीं, तो उसी का सोल्यूशन इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं काफी कुछ बताऊंगा इस मोड के बारे में। कौन से मोड के बारे में? रिंस एंड स्पिन मोड के बारे में। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप पावर ऑन करते हो, उसके बाद ये आपका नॉर्मल साइकिल चल रहा होता है, आप इसको साइकिल बटन दबा के रिंस एंड स्पिन सेलेक्ट कर लेते हो। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी एक तो ये रिंस वाली लाइट ऑन हो जाती है, एक ये स्पिन वाली लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे तीन लाइट्स हैं, एक वॉशिंग की है, एक रिंस की है, एक स्पिन की है। तो रिंस एंड स्पिन मोड में क्या होता है, रिंस की लाइट ऑन होगी और स्पिन की लाइट ऑन होगी, और इधर आपके पास रिंस का एलईडी ऑन होगी और इधर स्पिन की ऑन होगी। क्या होता है कि रिंस का जो टाइम है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, कितना टाइम रिंस करना है आपको, 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 4, 5, जितना भी करना है। और जैसे इसके बाद स्पिन का कर लेते हो, जैसे स्पिन का 1, 3, 4, 5। बट इसमें क्या है, जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो आप देखो जो भी मोड होता है, जैसे अभी रिंसिंग हो रही है तो रिंस फ्लैश करता है, और उसके बाद रिंस खत्म होने के बाद आपका स्पिन होने लगेगा। तो मुझे ये नहीं करना था, मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ रिंस या फिर स्पिन करना है। तो क्या करूँगा मैं, मान लो मेरी पावर ऑफ ही थी, दोबारा मैं पावर इसको ऑन करता हूँ, फिर से नॉर्मल मोड में मैं इसको साइकिल दबा के रिंस एंड स्पिन मोड सेलेक्ट कर लूंगा। अब जो भी मेरे को रिंस या स्पिन सेलेक्ट करना है, आप पहले देख लो यहाँ पे दो लाइटें ऑन है, एक रिंस की भी ऑन है, स्पिन की भी ऑन है, बट मुझे सिर्फ अगर स्पिन करना है तो मैं स्पिन का बटन दबा के रखूँगा कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे दबाने के बाद ये ट्यून बजेगी, उसके बाद ये सिंगल लाइट ऑन हो जाएगी, स्पिन वाली लाइट, रिंस वाली लाइट बंद हो जाएगी। अब आप इसका टाइम सेलेक्ट कर लो, कितना टाइम लगाना है, उसके बाद स्टार्ट कर दो। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि आप सिर्फ स्पिन करना चाहते हो, रिंस नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हो। कई बार क्या होता है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, फिर से पावर ऑफ कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को सिर्फ रिंस करना होता है या सिर्फ वॉश करना होता है, वो तीनों ही मेथड, वॉशिंग, स्पिनिंग, रिंसिंग, तीनों अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सिंपली पावर ऑन करें, साइकिल बटन दबा के अपना मोड सेलेक्ट करें रिंस एंड स्पिन। उसके बाद से अगर आप वॉश टाइम को सेलेक्ट करके रखोगे तो ये नहीं होता, आप स्पिन टाइम को करके रखोगे तो ओनली स्पिन टाइम आ जाता है, रिंस टाइम आ जाता है। अगर आप स्पिन को सेलेक्ट करके रखोगे तो ओनली स्पिन आ जाता है। तो आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर सिर्फ रिंस करना है तो रिंस को दबा के रखो, आप देख रहे हो सिर्फ रिंस हो गया, स्पिन की एलईडी ऑफ है और वॉश की भी एलईडी ऑफ है। तो आप इस मोड में रिंस और स्पिन दोनों भी करवा सकते हैं, अलग से अकेला रिंस करना है तो वो भी कर सकते हो, अलग से स्पिन करना है तो स्पिन भी कर सकते हो। बस उसके बाद आप स्टार्ट बटन दबाओ, आपकी मशीन पहले वेट लेगी, ये इसका मतलब होता है कि वेट ले रही है, अपने कपड़ों का वेट लेके ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगी, और उसके बाद आपका रिंसिंग या फिर आपका स्पिनिंग स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे पहले वाली वीडियो की आपने बहुत प्यार दिया, आप उस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हो जो आपने लगन मिस की है, तो मेरे चैनल पे जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, आई बटन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो और चाहिए, कोई आपका डाउट्स है वॉशिंग मशीन के बारे में, तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो, मैं नई वीडियो लेके आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।